हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्रिएटिविटी टॉपिक करेंगे। क्रिएटिविटी टॉपिक के बारे में उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या हैं, नेचर क्या होता है क्रिएटिविटी का एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। मेरा नाम प्रिया सिग्रोहा है एंड डेली हम चैनल पे 8 o'clock क्लास करते हैं रिलेटेड टू BEd एंड MEd। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप क्लासेस या नोट्स लेने में इच्छुक हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले देखते हैं क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। क्रिएटिविटी वर्ड की मैं बात करूं तो देखिए, ये डेराइव्ड है एक वर्ड से क्रियो, ठीक है, जिसका मतलब होता है कुछ क्रिएट करना, बेसिकली टू क्रिएट या टू मेक। क्रिएटिविटी की बात की जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया बनाना, कुछ नया डेवलप करना। देखिए क्रिएटिविटी आपको आइडियाज देती है, राइट? मतलब जब आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं और वो आइडियाज न्यू है, आपके डिस्कवर्ड आइडियाज है, राइट? और उन आइडियाज को आप अप्लाई कर रहे हो। हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं है वो आइडियाज किसी एक ही चीज से रिलेटेड हो सकता है आपकी डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आपने उनको अप्लाई किया हो। लेट सपोज आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, आपने एक तरीका निकाला अपने ओरिजिनल न्यू आइडिया से कि भाई मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। ऐसे ही क्रिएटिविटी आप किसी भी फील्ड में देख सकते हो। म्यूजिक हो गया, ठीक है, जो लोग नया नया म्यूजिक बनाते हैं वहाँ पे भी क्रिएटिविटी है। जो लोग नई नई आर्ट की चीज़ें बनाते हैं, आर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, वहाँ पे भी क्रिएटिविटी है। टीचर्स जो नए नए टेक्निक्स से या नए नए आइडियाज से बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने न्यू आइडियाज डेवलप करती हैं, वो भी क्रिएटिविटी है। सो क्रिएटिविटी की बात की जाए तो हर एक फील्ड में, हर एक लाइफ सिचुएशन में क्रिएटिविटी इज देयर, राइट? सो क्रिएटिविटी एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत फैसिनेटिंग चीज है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, और हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये क्रिएटिविटी होती है। किसी के अंदर ज्यादा तो किसी के अंदर कम, बट सभी के अंदर ये क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। क्रिएटिविटी को साइंटिफिक प्रोसेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने लाइक कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपका मेंटली आप इन्वॉल्व रहते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्रिएटिविटी को साइंटिफिक प्रोसेस भी बोला गया है। क्रिएटिविटी देखिए आपको आपकी लाइफ में एक पहचान भी दिलाती है। देखिए बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपने देखे होंगे जो झट से कोई भी काम कर लेते हैं, या उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी अपने काम में बनाई हुई है। लाइक कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, ठीक है, किसी के पास अपनी टेक्निक्स होंगी उस स्पोर्ट्स को प्ले करने की, अपने एक ओन आइडियाज होंगे, तो वो भी क्रिएटिव हुआ। ऐसे ही एक, जैसे मैंने बताया, एक आर्ट पर्सन, म्यूजिशियन हो गया, एक टीचर हो गई, डॉक्टर हो गया, एक एनीवन, जो भी जिस भी फील्ड में है, तो सब क्रिएटिव है। तो आपने ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द जरूर देखे होंगे। और सभी देखिए, जो भी लोग हैं आपके पास, अपनी फैमिली मेंबर में ही आप देख सकते हैं कि सब एक ना एक कार्य में उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, मतलब कि उनके न्यू न्यू आइडियाज उस फील्ड में और अच्छे से आते होंगे। जैसे कि एक गृहिणी की मैं बात करूं, एक हाउसवाइफ की मैं बात करूं, तो वहां पे देखिए वो अपने हाउस होल्ड वर्क में किस फैमिली मेंबर को कैसे संभालना है, कैसे उनका टेक केयर करना है, उन चीज़ों में इतनी अच्छी होती है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई हाउस से रिलेटेड, कोई सिचुएशन आई घरेलू, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। तो कोई भी प्रोफेशन हुआ, हर एक प्रोफेशन में क्रिएटिविटी देखने आपको ज़रूर मिलेगी।
कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जो क्रिएटिविटी की दी गई है। देखिए, इसके अलावा आपको और भी बहुत डेफिनेशन मिल जाएंगी क्रिएटिविटी की। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बहुत उम्दा डेफिनेशंस दी हुई हैं। कुछ डेफिनेशंस जो मैंने डिफरेंट बुक से यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट की हैं, जो इजी टू अंडरस्टैंड है एंड छोटी भी है। फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे स्पेयरमैन के द्वारा दी गई है, दूसरी ड्रेवडेल के द्वारा दी गई है, और तीसरी डेफिनेशन जो है दैट इज गिवन बाय गिलफोर्ड। तो आप अपने एग्जाम में जब क्रिएटिविटी का टॉपिक एज अ थ्योरी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक डेफिनेशन तो मिनिमम इसके बारे में जरूर लेके, ज्यादा से ज्यादा आप 3 ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। बस जिसकी डेफिनेशन होती है जिस भी फिलोसोफर की, जिस भी ऑथर की, तो उनका नाम हमेशा हाईलाइट करना ना भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए, क्रिएटिविटी के नेचर की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये एक प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ फैक्टर और एन एबिलिटी। मतलब ये एक आपकी एबिलिटी है जो आपके अपने न्यू ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, राइट? वही है क्रिएटिविटी। वट इज क्रिएटिविटी? टू मेक और टू क्रिएट, राइट? तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी एबिलिटी है, उसी का एक फैक्टर है। क्रिएटिविटी इज ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अलग अलग तरीके से सोचना। एक ही तरीके से सोचोगे तो आप एक क्रिएटर और एक क्रिएटिविटी क्रिएटिव पर्सन नहीं बन सकते हो, ठीक है। एक क्रिएटिव पर्सन की हमेशा यहाँ पे अलग अलग तरह से सोचने की क्षमताएं उसके अंदर होती है। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपने उन लोगों में ये चीज देखी होगी कि उनका कंटेंट जो है हर बार अलग होता है, और हर बार आपको जो भी चीजें ट्रेंडिंग होती हैं उसके बेसिस पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी लेवल है कि वो न्यू न्यू आइडियाज लेके आते हैं और आपको इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, राइट? नेक्स्ट इज, तो बेसिकली वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग वेज के बारे में, अलग अलग चीजों को क्रिएट करना, ठीक है। बेसिकली अलग अलग क्षेत्र में थिंकिंग हो गई, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग आइडियाज लाना हो गया। क्रिएटिविटी इज वे ऑफ थिंकिंग, ये एक तरह की तरीका है सोचने का, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको सिनोनिम नहीं बोल सकते हैं इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, ठीक है। हाँ, हम पर ये बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल पे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो है वो डिपेंड करती है, बट इट्स नॉट लाइक कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी सेम है, तो इस चीज में आप बिल्कुल ना पड़े। क्रिएटिविटी इज गोल डायरेक्टेड। देखिए, कोई भी इंसान जब भी कोई क्रिएटिव काम करने की सोचता है या करता है, तो हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई गोल या एम हमेशा छुपा होता है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मे बी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करने के लिए आप न्यू न्यू क्रिएटिव आइडिया सोचे कि मैं ये कर लेता हूँ क्या पता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं वो कर लेता हूँ क्या पता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? द एबिलिटी टू क्रिएट डिपेंड्स ऑन द एक्विजिशन ऑफ एक्सेप्टेड नॉलेज। देखिए, हमेशा आप क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा ला सकते हो, स्पेशली जिस जिस फील्ड में जो इंसान होता है, कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपने कितनी नॉलेज को एक्वायर किया है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज और क्रिएटिविटी का बहुत ही यहाँ पे संबंध है, मतलब इंटर रिलेशनशिप दोनों की है। क्रिएटिविटी इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट इमेजिनेटिव इंस्पिरेशन दैट अटेन्स टू सम अचीवमेंट। देखिए, क्रिएटिव लोग जो होते हैं उनकी इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होती है, एंड दे आर ऑलवेज रिस्ट्रेंड इमेजिनेटिव इंस्पिरेशंस, राइट? स्पेशली ये आर्टिस्टिक लोग होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हो। लाइक, वो जो भी बनाते हैं उसको इमेजिन कर लेते हैं। ऐसे ही एक म्यूजिशियन जब वो एक धुन बनाने की सोचता है, तो उसको माइंड में कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर लेता है। बेसिकली एक इमेजिन इंस्पिरेशन उनकी होती है जो उनको आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, और फिर अचीवमेंट तो बेसिकली मिलेगा ही मिलेगा। क्रिएटिविटी, वेदर इट इज ओरल, रिटन, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, इज इन एनी केस यूनिक। देखिए, क्रिएटिविटी आपके न्यू ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, राइट? तो वो यूनिक तो बिल्कुल हुए, और आपको दूसरों से भी यूनिक
बनाएंगे। ऐसे ही देखिए, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हर एक टीचर अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से पढ़ाती है, राइट। उनके अपना एक टॉपिक को क्रिएट करके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उन्होंने अपने मेथड्स क्रिएट करे होते हैं, अपना वे ऑफ स्पीकिंग क्रिएट किया होता है, अपना वे ऑफ एक्सप्लेनिंग क्रिएट किया होता है। तो इसी तरीके से हर एक टीचर अपने आप में यूनिक होती है। आप इसको और सिचुएशंस में भी अप्लाई कीजिए। क्रिएटिविटी सबकी अलग है, सबके अपने आइडियाज पे बेस्ड है सबकी क्रिएटिविटी, तो यूनिक तो ये बिल्कुल हुई। ठीक है, आगे आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन पे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिएटिव चिल्ड्रन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं बताइए। तो क्रिएटिविटी टॉपिक आप कर रहे हैं और आप यहाँ पे अपने टीचिंग कोर्स में अगर ये टॉपिक लिखने जा रहे हैं तो एक क्रिएटिव बच्चे की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको जरूर करना है। देखिए, एक क्रिएटिव बच्चा हमेशा क्यूरियोसिटी से भरा होगा, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होगा, उसके अंदर ओरिजिनल थिंकिंग होगी, अपने न्यू आइडियाज होंगे, इंडिपेंडेंट जजमेंट उसके अंदर होगी, कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन उसके अंदर होगी, इजीली डिस्ट्रैक्टेड वो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होगी प्लस डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी, हाई एनर्जी लेवल उसका आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का एक उसके अंदर एफिशिएंसी होगी, राइट। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी होगी कि भाई ये चीज मैं कर रहा हूं तो मैं भी फेल हो जाऊं, बट हाँ, उस फेलियर के डर से वो रुकेगा नहीं, वो क्रिएटिव बनेगा, रिस्क लेगा। करेजियस होगा, बहुत अच्छी बात जो हमेशा क्रिएटिव चिल्ड्रन में देखने को मिलती है। इसके बाद पावर ऑफ इमेजिनेशन होगी। ये तो देखिए क्रिएटिविटी की पहचान है कि आप कुछ भी बनाने का सोचो, कोई आइडिया आपके पास आए तो हमेशा आप इमेजिन कर लेते हो उसका प्रोसेस और उसका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। फिर है डिजायर ऑफ सुपीरियोरिटी कि इस काम को करने की कितनी सुपीरियोरिटी हो सकती है, कितना सुपीरियर ये बेसिकली हो सकता है। और बेसिकली कोई भी क्रिएटिव पर्सन हुआ उसको हमेशा ये रहेगी कि भाई मेरा काम हाईली सुपीरियर हो, अच्छे से अच्छा हो। फिर फार साइटेडनेस, आप दूर तक देख सकोगे उस क्रिएटिविटी का फ्यूचर, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन की। इसके अलावा और भी हो सकती है, मे बी आप जो बुक्स रेफर कर रहे हो उसमें और कोई भी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इनके साथ दी हो, सो कोई भी आप लिख सकते हो, और साथ में अगर चाहो तो उनके एग्जाम्पल्स भी किसी ना किसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हो। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक क्रिएटिविटी का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में हम द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल पे बने रहें, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आपको नोट्स या क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।